नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमेशा की तरह मैं अन्नू कपूर आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के सुहाने सफर में जो अफसाने, तराने हैं, किस्से, कहानियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सबसे पहले उनकी झलक। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि कब, कैसे और किसने नरगिस रबाड़ी का नाम बदल कर रख दिया शम्मी, कैसे शम्मी जी फिल्मों में आई और साइड हीरोइन से अपने करियर की शुरुआत करके कैसे बन गई हिंदी फिल्मों की हीरोइन, उनके सफर की कहानी सुनाऊंगा आज। और आज सुनाऊंगा कि एस बलबीर एक दिन अचानक कैसे मुंबई से गायब हो गए। एस बलबीर जिन्होंने गीत गाए हैं ये देश है वीर जवानों का, ओए कि मैं झूठ बोलिया, और कुछ वक्त बाद उनकी लाश मिली उनके गांव में। एस बलबीर के जीवन की ये कहानी भी आज के इस शो में। आज मैं आपको सुनील दत्त से जुड़ी वो घटना भी सुनाऊंगा जब वो निर्माता निर्देशक रमेश सहगल की एक डांट से इतने इमोशनल हो गए कि मेकअप रूम में जाकर रोने लगे। इस डांट के बाद उन्होंने कसम भी खा ली। क्या कसम थी, क्यों डांट पड़ी थी उन्हें, इस सब का खुलासा आज की महफिल में। और इसके साथ बताऊंगा वो गीत जिसे गाते वक्त लता मंगेशकर से एक शब्द का उच्चारण गलत हो गया और इस गलत उच्चारण से गीत के अर्थ का अनर्थ हो गया। ये गीत 40 सालों से आज भी उसी तरह बजता चला आ रहा है। आज की महफिल तैयार है, मुझे उम्मीद है कि आप भी तैयार हैं। आज के शो का आगाज करते हैं नरगिस जी के किस्से से, मगर ये नरगिस मदर इंडिया वाली नरगिस नहीं है, बल्कि ये नरगिस है नरगिस रबाड़ी। ये नाम शायद आपके लिए अनजाना होगा, मगर ये अभिनेत्री, ये चेहरा आपके लिए बिल्कुल भी अनजाना नहीं है। ये हिंदी फिल्मों का एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है जिन्हें आप पिछले 60 सालों में मल्हार, संगदिल, आज़ाद, आखिरी दाव, दिल अपना और प्रीत पराई से लेकर इत्तफाक, पूरब और पश्चिम, कुदरत, मोहब्बत, हम और शीरी फरहाद की निकल पड़ी जैसी कई फिल्मों में काम करते हुए देख चुके हैं। दरअसल इन नरगिस रबाड़ी का फिल्मी नाम है शम्मी, जिन्हें हम सब प्यार से शम्मी आंटी कहते हैं। पारसी परिवार में जन्मी शम्मी का असली नाम था नरगिस रबाड़ी। ये जब सिर्फ 3 साल की थीं तब इनके पिता गुजर गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बचपन से ही उन्हें और उनकी बड़ी बहन को घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, छोटी सी उम्र में ही फिल्मों से जुड़ना हो गया, जो भी काम मिला किया और धीरे धीरे एक लंबा संघर्षपूर्ण सफर तय करके ये बन गई हीरोइन। इनके हीरोइन बनने का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। एक रोज नरगिस रबाड़ी की मुलाकात शेख मुख्तार से हुई जो उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे जिसका टाइटल था उस्ताद पेड्रो, और तलाश कर रहे थे साइड हीरोइन के लिए एक नई लड़की की। नरगिस रबाड़ी से उन्होंने पूछा, हिंदी बोल लेती हो? नरगिस ने जवाब दिया, आपसे बात कर रही हूं तो बोल ही लेती होंगी। अच्छा जवाब था। शेख मुख्तार को लड़की की बेबाकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने नरगिस रबाड़ी को साइन कर लिया। उस फिल्म के निर्देशक हरीश उन दिनों फिल्म मल्हार भी बना रहे थे। हरीश को नरगिस रबाड़ी का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म मल्हार में नरगिस रबाड़ी को एज ए हीरोइन साइन कर लिया। और चूंकि उस जमाने में नरगिस एक बहुत बड़ी स्टार थी, इसलिए हरीश जी ने नरगिस रबाड़ी को नया स्क्रीन नेम दिया, शम्मी। तो इस तरह से नरगिस रबाड़ी बन गई शम्मी, जिन्हें हम आज शम्मी आंटी के नाम से जानते हैं और जो इन दिनों अक्सर टीवी शोज में भी नजर आती है। आखिर ऐसा क्या कर दिया था सुनील दत्त ने जिसकी वजह से उन्हें रमेश सहगल की डांट सुननी पड़ी थी, ये वापस आकर बताऊंगा मैं। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनील दत्त की पहली फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म, 1955 में रिलीज हुई थी।
इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सहगल। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें सुनील दत्त को अभिनेत्री शीला रमानी को उठाना था, लेकिन सुनील दत्त इस सीन को लेकर बहुत परेशान थे, नर्वस थे। घबराहट उनकी बहुत ऑब्वियस थी, इंडस्ट्री में नए नए आए थे, कंजर्वेटिव बैकग्राउंड के थे जहां लड़के लड़कियों का आपस में ज़्यादा घुलना मिलना अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए शीला रमानी को उठाए जाने की बात पर उन्हें पसीना आ रहा था, लगातार रीटेक दिए चले जा रहे थे। और उधर डायरेक्टर साहब रमेश सहगल झुंझला रहे थे। जब उनका सब्र चुक गया तो वो अचानक गुस्से में सुनील दत्त पर चिल्लाए और बोले, इसमें डरने वाली क्या बात है, बिहेव लाइक ए मैन, कैसा मर्द है तू। सबके सामने पड़ी इस डांट से सुनील दत्त ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया, आंखें भर आईं, किसी तरह आंसू छुपाते हुए मेकअप रूम में चले गए। अब रमेश सहगल उन्हें मनाने के लिए उनके मेकअप रूम में गए। सुनील दत्त को यह कहकर मना तो लिया कि देखो, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं, क्या तुम्हें डांट भी नहीं सकता, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटा था, इसे पॉजिटिव लो और आ जाओ सेट पर। सुनील दत्त को रमेश सहगल की बात बुरी तो लगी, मगर नए नए थे इसलिए रमेश जी की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर इस घटना से सुनील दत्त में एक बदलाव जरूर आ गया। एक तरफ तो उन्होंने अपनी झिझक को दूर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कसम भी खा ली कि अगर कभी मैं निर्देशक बना तो अपने किसी भी कलाकार के साथ ऐसा अपमानजनक बर्ताव नहीं करूंगा। और दत्त साहब ने खुद से किया ये वादा हमेशा निभाया, अपनी कसम पर कायम रहे। याद कीजिए वो देशभक्ति का गाना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, देश तैयारों क्या कहना, और कि मैं झूठ बोलिया कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। इन गीतों को आवाज दी थी एस बलबीर ने, जो एक दिन अचानक बंबई से गायब हो गए और कुछ समय बाद उनकी लाश मिली उनके गांव में। क्या हुआ था उनके साथ, किसने किया उनका कत्ल, एस बलबीर के जीवन की ये कहानी मैं सुनाऊंगा आपको वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात करेंगे 1950 और 60 के एक गायक एस बलबीर की, फिल्म नया दौर का एक गीत, ये देश है वीर जवानों का। इस गीत में रफी साहब का साथ देने वाले एस बलबीर, उन्होंने पैर अपने जमा लिए थे। आज क्यों हमसे पर्दा है, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, ये माना मेरी जा मोहब्बत सजा है, जी चाहता है चूम लूं जो मामा आ जाएगा, जैसे अच्छे गाने उन्होंने गाए, नाम भी हो गया था उनका। 1970 के दशक की शुरुआत में अचानक ही बलबीर जी गायब हो गए, मैरिड नहीं थे। और यारी रोड वर्सोवा की कोली बस्ती में एक कोली महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। काफी समय तक पता ही नहीं चला कि बलबीर गए तो कहां गए। उनके दोस्तों ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, आखिर में पता चला कि पंजाब के उनके गांव में बलबीर के परिवार की काफी जमीन जायदाद थी, जिसका बंटवारा करने के लिए उनके भतीजे उन्हें लेने बंबई आ गए थे। बलबीर अपने भतीजों के साथ गए पंजाब। अब उनके जाने के बाद वहां ऐसा क्या हुआ, वो कौन से मोड़ थे, वो कौन से हालात थे, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन सबको ये मालूम है कि एक दिन उनकी लाश वहां गांव में पाई गई। लोगों का ऐसा शक था कि उनके मर्डर के पीछे उनके भतीजों का हाथ है, क्योंकि वो बलबीर के हिस्से की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने चाचा का मर्डर कर दिया। ये घटना सन 1970 के आसपास हुई थी और उस वक्त बलबीर जी की उम्र तकरीबन 40 साल की थी। हालांकि ये पता नहीं चला कि उस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई हुई भी या नहीं, मगर जमीन के झगड़े ने एक बेहतरीन गायक को हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा लिया। लता जी का गाया वो कौन सा गीत है जिसमें उन्होंने एक शब्द का ऐसा गलत उच्चारण किया कि अर्थ का हो गया अनर्थ, गाना कौन सा था, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। साल 1974 में मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उस पार। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बासु चटर्जी, संगीतकार थे सचिन देव बर्मन और गीत लिखा था योगेश जी ने। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है इस फिल्म में, ये जब से हुई है जिया की चोरी, पतंग सा उड़े ये मन जो है तेरे हाथों में डोरी। ये गीत बहुत ही मीठा, बहुत ही कर्णप्रिय है, लेकिन आप गौर से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि लता मंगेशकर ने इस गीत के अंत में गड़बड़ कर दी है। इस पूरे गीत में लता मंगेशकर ने गाया जिया की छोरी। गौर कीजिए, जिया की चोरी और जिया की छोरी यानी कि पंक्ति का अर्थ ही बदल गया, और पिछले 40 सालों से ये गीत इसी तरह से बजता चला आ रहा है। इस गीत के गीतकार योगेश जी को भी इस गलती का पता तब चला जब फिल्म इतिहासकार और संगीत विशेषज्ञ शिशिर कृष्ण शर्मा का ध्यान इस गलती पर गया, और जब उन्होंने योगेश जी से इस बारे में बात की तो योगेश जी भी ये सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि काम के प्रेशर में फिल्म बनाने वालों से कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, उन्हीं में से एक एग्जाम्पल यह है। आइए सुनवाता हूँ यही गीत। वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से संगीतकार स्नेहल भाटकर को अपना असली नाम छुपाना पड़ा था, और वो कौन शख्स था जिससे उन्हें स्नेहल नाम उधार लेना पड़ गया, जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हम बात करेंगे संगीतकार स्नेहल भाटकर की, जिन्होंने साल 1947 में बनी फिल्म नील कमल से बतौर स्वतंत्र संगीतकार अपना करियर शुरू कर दिया था। हालांकि उससे एक साल पहले वो सुधीर फड़के जी के साथ जोड़ी बनाकर फिल्म रुक्मणी स्वयंवर में म्यूजिक दे चुके थे, लेकिन एक ही फिल्म के बाद ये कॉम्बिनेशन, ये जोड़ी टूट गई थी। फिल्म नीलकमल राज कपूर और मधुबाला की भी बतौर नायक और नायिका पहली फिल्म थी। स्नेहल का असली नाम था वासुदेव गंगाराम भाटकर, और फिल्म रुक्मणी स्वयंवर में उन्होंने वासुदेव सुधीर की जोड़ी के नाम से दिया था म्यूजिक, लेकिन नीलकमल में उन्होंने अपना नाम बदलकर बी वासुदेव रख दिया, और नाम बदलने की वजह थी उनकी नौकरी। दरअसल स्नेहल भाटकर एचएमवी में काम किया करते थे एज ए म्यूजिशियन, और वहां के कंपनी के नियम के मुताबिक वो एचएमवी से बाहर काम नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्हें अलग अलग नामों से काम करना पड़ा, लेकिन जनाब इसके बावजूद सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई। मजबूरन नौकरी बचाने के लिए उन्हें एक बार फिर से अपना नाम बदलना पड़ा। 1948 में बनी फिल्म सुहागरात और 1949 की फिल्म ठेस में उन्होंने स्नेहल के नाम से संगीत दिया। ये नाम उन्होंने अपनी नवजात बेटी स्नेहलता के नाम पर रखा था, या यूं कहिए ये नाम उन्होंने अपनी बेटी से उधार लिया था। 1949 में उन्होंने एचएमवी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन काम वो स्नेहल भाटकर के नाम से ही करते रहे। इसी नाम ने उन्हें पहचान और शोहरत दिलवाई। याद दिलाना चाहूंगा उनके गीत लहरों पे लहर रुत है जवां, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, और हाले दिल उनको सुनाया ना गया। हमारे एक श्रोता ने एसएमएस भेजकर एक सवाल पूछा है। सवाल यह है कि हिंदी सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी किसे कह सकते हैं। उनके सवाल का जवाब दूंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमारे जिस श्रोता ने एसएमएस से सवाल पूछा है कि हिंदी सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी किसे कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स डुओ, जिनका नाम था हुस्न लाल भगतराम। इस जोड़ी की पहली फिल्म 1944 में बनी थी जिसका नाम था चांद, और ये फिल्म पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर में बनी थी।
बेगम पारा की ये पहली फिल्म थी। हुसनलाल और भगतराम उस जमाने के मशहूर संगीतकार पंडित अमरनाथ के छोटे भाई थे। 1944 से 1966 के बीच इस जोड़ी ने बहुत सारी फिल्में की। बड़ी बहन, प्यार की जीत, सनम, आंसू, क्षमा परवाना, अप्सरा, यानी कि तकरीबन 50 फिल्मों में संगीत दिया था और इनमें से ज़्यादातर म्यूजिकल हिट फिल्में थीं। दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती, चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, चले जाना नहीं नैन मिला के, एक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जाके लागे नैना तो पाए नहीं चैना, बेकरार है कोई और तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया। ये सारे सुपरहिट गीत हुसनलाल भगतराम जी की जोड़ी ने ही बनाए थे। इनके बाद फिर बहुत सी जोड़ियों ने फिल्म संगीत को अपने टैलेंट से समृद्ध किया, जिनमें कुछ नाम है शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता को उनके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, प्लीज़ राइट बिग देन स्पेस सुहाना सफ़र, और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/suhanasafarwithannukapoor। उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूँ, पूरी कोशिश करूँगा आपका मनोरंजन करने की इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।